दोस्तों जवान के ऑफिशियल प्रीव्यू ने व्यूअरशिप के सारे ही रिकॉर्ड्स को तोड़ डाले हैं। इस फिल्म के लिए लोगों में काफी ज्यादा क्रेज है। फैंस काफी समय से इस फिल्म के टीजर की डिमांड शाहरुख खान और जवान के डायरेक्टर अटली कुमार से कर रहे थे, पर फाइनली जवान के रिलीज के 2 महीने पहले ही इस फिल्म के मेकर्स ने फैंस की डिमांड सुनी और फिल्म के टीजर को जवान के प्रीव्यू के नाम से रिलीज कर दिया। और देखते ही देखते जवान के प्रीव्यू ने सारे ही सोशल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स अचीव कर लिए। इस फिल्म के प्रीव्यू को 112 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं अब तक। हालांकि यूट्यूब पर अभी भी प्रभास की फिल्म सालार शाहरुख खान की फिल्म जवान से काफी आगे है व्यूअरशिप के मामले में, पर ओवरऑल सभी प्लेटफॉर्म पर बादशाह की जवान का जलवा अभी फिलहाल बरकरार है। लोगों को जवान के प्रीव्यू में शाहरुख खान के बोले गए डायलॉग्स ने अपना दीवाना बना लिया है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी के ऊपर भी जवान फिल्म के एक प्रीव्यू का वॉइस ट्रैक बनाया गया है, जिसमें राहुल गांधी को जवान के शाहरुख खान की तरह प्रस्तुत किया गया है। वहीं अक्षर शाहरुख खान और उनकी फिल्मों को क्रिटिसाइज करने वाले KRK ने भी उनकी फिल्म के बारे में अपनी सोशल साइट्स पर राय दी। KRK ने कहा कि शाहरुख खान की फिल्म जवान साउथ इंडियन मूवी लग रही है। वहीं VFX के चलते शाहरुख खान को यंग दिखाया जा रहा है। इस फिल्म में 80% VFX का यूज किया गया है, वहीं 20% फिल्म बिना VFX के बनाई गई है। ये कहना था KRK का, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि ये फिल्म 100% 50 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है। वहीं बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने इस टीजर की जमकर तारीफ की। उनके अलावा नयनतारा के पति विघ्नेश सिवन, डायरेक्टर सुजय घोष, नेहा धूपिया जैसे कई बड़े सेलेब्स ने इस टीजर की जमकर तारीफ की। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।